हेलो फ्रेंड, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सब्जी को लेके रूह को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। वो सोचती है कि यार युविका की पसंद भी बदल रही है, क्या बात है। खैर, युविका जो है वहाँ से उठती है और अपने ऑफिस का कुछ काम करने लगती है। तो साक्षी रूम में आती है कुछ लेने के लिए, तो युविका कहती है कि साक्षी ज़रा ये बताना है, ये वाली मेल भेजनी है और समझ नहीं आ रहा है कैसे जाएगी। तो साक्षी बिना कुछ बोले वहाँ आती है और उसकी मेल चेक करती है और उसके बाद उसे सेंड करके वहाँ से चली जाती है। एक मिनट वहाँ नहीं रुकती, युविका ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। और काम करने के बाद वो बाहर निकल रही होती है, तभी रूही अपने रूम से निकल रही होती है। तो युविका की नज़र रूही पे पड़ती है। वो रूही को बड़े गौर से देखती है और देखती है कि रूही ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई होती है खुले पल्ले में। तो रूही अपने गेट के दरवाजे के साथ ऐसे सपोर्ट लेके वहीं खड़ी हो जाती है और रूही को देखने लगती है। युविका रूही को बड़े ध्यान से देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये कितना अलग है ना, रूही पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, कितना कुछ बदल गया है इसके अंदर जो मैंने आज तक कभी नोटिस ही नहीं किया। इसकी खूबसूरती में और निखार आ गया है। उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है तो रूही की नज़र युविका से टकराती है। तो उसे अपने तरफ देखता हुआ पाके उसके पास आती है और कहती है कि क्या देख रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहती है बोलो भी, क्या देख रही थी। तो कहती है बस यही चेक कर रहे थे कि कितनी खूबसूरत लग रही हो। कहती है अच्छा, सच में। कहती है हाँ ना, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो कहती है पहले नहीं थी। कहती पहले से ज़्यादा हो गई हो। कहती अच्छा। कहती हाँ, पहले तुम्हें कभी ऐसा देखा नहीं ना प्रॉपर लुक में, चूड़ी पायल बिंदी हाँ साड़ी, आज बड़े ध्यान से देखा है। कह रही इतने दिनों में देखा है, आज बहुत ध्यान से देखा, बहुत खूबसूरत हो गई हो। क्या फ़ायदा, तुम्हारी तो पसंद ही बदल रही है। कह रही है कि अरे यार वो सब्जी की बात थी, और इतने सालों में कुछ चेंजेस तो आ जाते हैं ना। कहती है बट तुम्हें आलू क्यों नहीं पसंद। कहती है कि यार वहाँ मैंने कुछ आलू देख लिए थे, वो बड़े अजीब से थे और तब से मेरा मन ना आलू से बिल्कुल हट गया, मेरा मन नहीं करता उनको खाने का। और लौकी तुम्हें पसंद आने लगी। कहती है रूही देखो जेलस फील मत करो प्लीज़, लौकी वो जेन्युइनली अच्छी बनाती है, तुमने टेस्ट नहीं किया, अगर की होती तो तुम्हें पता चलता, वो सच में बहुत अच्छी बनाती है। तो रूही कहती है अच्छा युविका एक सवाल करूँ, सच सच जवाब दोगी। कहती है कि हाँ बोलो, डू यू लव मी, सच बोलना, झूठ नहीं सुनना है मुझे। कहती है सच ही बोल लूँगी, और ऐसे क्यों पूछ रही हो। कहती है मुझे जवाब चाहिए बस। कहती है ऑफ कोर्स आई लव यू। और साक्षी से तो युविका कहती है आई रियली डोंट नो यार, आई लाइक हर सो मच, मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स हैं उसके लिए, उसको बेचैन देख के बेचैनी होती है, उसकी तड़प देख के मुझे तड़प होती है, उसे सुकून में देखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। तो ये सब तो तुम मेरे लिए भी फील करते होगे। ऑफकोर्स यार करती हूँ, बिकॉज यू आर माई लव। तो फिर साक्षी कहती है आई डोंट नो, कंसर्न है कि 5 साल वो मेरे साथ रही है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे कैसे फेस से निकाला है जहाँ मैं बुरी तरह फंसी हुई थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस फेस से वापस भी आ पाऊँगी।
तो मे बी कंसर्न है, केयर है, या जेन्युइनली मैं उसके लिए कुछ फील करने लगी हूँ, उससे प्यार करने लगी हूँ, मुझे सच में अभी समझ नहीं आ रहा रोहित। बट एक बात फॉर श्योर है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम मेरा पहला लव हो, पहला प्यार हो, तुम वो इंसान हो जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया था। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैं ऑटोमेटिक बदल गई थी तुम्हारे लिए। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे सुकून मिलता है और तुम्हारी नामौजूदगी से मुझे बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। आई लव यू यार, सच में। तो रुई कहती है कि आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स बट युविका कहती है मुझे पता है रुई, मुझे जल्दी ये सब क्लेरिफाई करना पड़ेगा। बट तुम ही सोचो ना, जब तक मैं खुद क्लियर नहीं हूँ मैं कैसे कोई डिसीजन ले लूँ। मैं आज कोई डिसीजन ले लूँ और मैं साक्षी को छोड़ दूँ कि तुम्हारे साथ आ जाऊँ, या ये सोच लूँ कि भाई साक्षी के साथ मैं इतने टाइम रही हूँ, मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो प्यार ही है, और तुम्हें छोड़ के उसके साथ रहने लगूँ, तो शायद मैं दोनों में से किसी को खुश नहीं रख पाऊँगी, ना खुद खुश रह पाऊँगी। मैंने अपने ज़िंदगी के 5 साल तुम्हें याद करके बिताए हैं, हर पल मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी। मैं नहीं चाहती अब कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मुझे फिर से वही सब करना पड़े, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, नथिंग एल्स, समझी। और ये कह के रूही के फेस को अपने हाथों में लेती है और कहती है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर तुम्हारे लिए गुस्सा था जो तुमने पास्ट में किया उसकी वजह से, मुझे सच पता नहीं था, लेकिन मुझे जब सच पता चला जेन्युइनली मेरे दिल में तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ गया है, प्यार के साथ साथ रेस्पेक्ट भी है। और साक्षी के लिए मेरे दिल में केयर है, रेस्पेक्ट है, मैं उसकी फिक्र करती हूँ, बट प्यार है या नहीं है मैं इसे लेके अभी कंफ्यूज हूँ। तो रोहित कहती है अगर प्यार हुआ तो तब क्या करोगी, तब दोनों में से किसे चूज करोगी, बोलो जवाब दो। तो युविका कहती है मुझे नहीं पता अभी, सच में नहीं पता। तभी डोरबेल बजती है तो उसकी मॉम जाके डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि सामने अमित होता है। वो अमित को देखते हैं, उसे हक कर लेते हैं, कहते हैं तू इतने दिनों बाद आया है बदतमीज लड़का, तेरे को समझ में नहीं आता तो यहाँ सबको छोड़ के इतने दिनों के लिए गायब हो जाता है। तो कहता है मम्मी अंदर आने दोगी या यहीं पे सारे तमाशे करने हैं, यहीं पे डांटना है, यहीं मारना है, यहीं पे घर पसा लूँ मैं अपना बाहर। तो कहते हैं कि अंदर आ चल, और वो कहते हैं रूही, तो रूही जो है कहते हैं जी मम्मी, कहते हैं देखो कौन आया है। तो रूही युविका की तरफ इशारा करती है, क्या कहती है चलो चलते हैं नीचे, और जाती है तो देखती है कि अमित होता है। तो रूही अमित को देखती है तो स्माइल पास करती है, और इधर मुस्कान भी रूम से निकलती है, और मुस्कान जैसे अमित को देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, और वैसे दौड़ के जा रही होती है। तभी युविका ऐसे दौड़ के जाती है और मुस्कान के जो सामने जाके खड़ी हो जाती है। तो मुस्कान जैसे ही उसको देखती है कहती क्या है, कहती पागल हो गई हो, यहाँ किसी को पता नहीं है तुम दोनों के बारे में और तुम ऐसे दौड़ती हुई जा रही हो, दिमाग ठीक है। तो मुस्कान कहती है ओ शिट सॉरी 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 मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। कहती है तो आइडिया लगाओ, इस तरह की हरकतें मत करो जो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे,
हम दोनों के लिए, हम सबके लिए, थोड़ा सा इत्मीनान रखो। तो कहती है मुझे अमित से मिलना है, मुझे उसे हग करना है, I'm dying to hug again। तो कहती है सब्र करो, मैं मिलवाऊँगी, ठीक है सब्र करो तुम, ओके। तो कहती है कि ठीक है। तो फिर जो है उसके मम्मी पलटती हैं, तो कहती हैं युविका तुम्हारा भाई आया है, तुम उससे बात करने की जगह अपने फ्रेंड के साथ लगी हुई हो, क्या है ये? तो कहती है अरे नहीं मम्मी, मैं फ्रेंड के साथ लगी हुई नहीं हूँ, एक्चुअली इसको थोड़ा पेन हुआ तो मैं बस इसे देख रही थी। तो कहती हैं कि पेन? कि हाँ पेन हुआ। कहती हैं कि डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। कहती हैं हाँ मैं ले जाऊँगी, अपॉइंटमेंट ले लिया मैंने। तो अमित जैसे ही पेन सुनता है वो, उसकी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वो मुस्कान के पास आता है और कहता है आर यू ऑल राइट? तो उसकी मम्मी देखती हैं, कहती हैं ये अपनी बीवी के पास तो गया नहीं, ये मुस्कान के पास जाके उसका हालचाल पूछ रहा है। फ्रेंड वो युविका की है, ये मेरे बच्चों को हो क्या गया है, मेरे को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो उसकी मम्मी ऐसे सवालिया नज़रों से देख रही होती हैं उसकी तरफ, युविका की नज़र अपनी मम्मी पे पड़ती है। तो वो देखती है उसकी तरफ और अमित को ऐसे खूनी मारती है ज़ोर से, अमित को खूनी मारती है ज़ोर से और कहती है मम्मी देख रही हैं, रोही के पास जाओ। तो कहता है बट, कहती ठीक है वो तुम्हारी तरफ आ रही थी इसलिए रोका था मैंने, कुछ नहीं हुआ उसे। तो जो है अमित कहता है कि पक्का ना ठीक है वो, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है? कहती है उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम यहाँ खड़े रहे ना तो हम सबको ज़रूर कुछ हो जाएगा, रोही के पास जाओ। तो फिर वो मुड़ता है और रोही के पास जाता है और कहता है कैसी हो? रोही कहती है ठीक हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है चलो तुम दोनों आ गए, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मुझे रोही और अमित तुमसे दोनों से ज़रूरी बात करनी है, और युविका तुम भी आ जाओ ना। तो कहती है मुझसे क्या बात करनी है? कहती हैं कि करनी है आ जाना, अमित जल्दी जाओ फ्रेश हो के आओ। तो अमित कहता है जी, और अमित ऊपर रूम में चला जाता है। इधर रूही जो है बैठ जाती है वहीं डाइनिंग टेबल पे, तो उसकी मम्मी कहती है रूही तुम यहाँ क्या बैठी हो, चलो उठो जाओ। कहती कहाँ? रूम में जाओ, वो इतने दिनों बाद आया है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या होगा उसको, दो ना, तुम यहाँ बैठ गई हो, हद है तुम्हारी भी। तो रूही कहती है तो खुद ले लेंगे ना मम्मी। रूही जब पति घर में आए तो उसके हाथों में चीज़ें पकड़ानी चाहिए, अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो वो तुमसे दूर होता जाएगा। तो कहती है मम्मी, कहती जाओ, बोला ना उठो चलो जाओ, नाटक नहीं, चलो उठो 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 फटाफट उठो। अब रूही मुस्कान की तरफ देखती है, मुस्कान का पारा हाई होता है एकदम, और वो युविका मुस्कान के पास खड़ी होती है, तो मुस्कान युविका की रिस्ट पकड़ लेती है ज़ोर से और अपने नाखून उसके रिस्ट में गड़ाने लगती है, और युविका छटपटाने लगती है। वो कहती है भाभी छोड़ो क्या कर रही हो, लेकिन युविका तो सुन ही नहीं रही होती। रूही चुपचाप उठती है और रूम की तरफ जाती है, और युविका का तो मन कर रहा हो, मुस्कान का तो मन कर रहा होता है कि वो क्या ही कर डाले अभी। तो मुस्कान और जब रूही चली जाती है, उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती हैं, तो जो है युविका ज़ोर से अपना हाथ छुड़वाती है, कहती है भाभी पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो, कुछ अंदाज़ा है? हाँ मुझे मतलब अंदाज़ा है, देख रही हो क्या कर दिया आपने? तो युविका की नज़र उसके हाथ पे पड़ती है, तो बहुत बुरी तरह नेल्स लगे हुए होते हैं, उसे बहुत पेन हो रहा होता है। तो कहती है सॉरी 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 मुझे पता नहीं चला। कहती है आपको कैसे पता चलेगा, पता तो मुझे चला है ना, आपको क्यों पता चलने वाला, आपको कैसे पता चलेगा? कहती है मैंने जानबूझ के नहीं किया, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। कहती है वाह ये सही है आपका,
तो कहती है ये जो चल रहा है ना इसे बंद कराओ। कहती है मैंने क्या किया है, आप मुझे क्यों बोलती हैं बार बार, मैंने क्या ये सब कुछ जानबूझ के किया है, आप मुझे बताइए। कहती है मुझे नहीं पता, इसको रूम से फटाफट निकालो। तो कहती है भाभी मैं अगर रूम से निकाल भी दूँ तो आप भैया के रूम में कैसे शिफ्ट हो जाओगी, घर वालों को क्या कहेंगे। कहती है मुझे नहीं पता, घर वालों को जितनी जल्दी बताना है बताओ, आई डोंट केयर, अदरवाइज़ मैं बता दूँगी, और अगर मैंने बता दिया तो तुम्हें परेशानी होगी, फिर दोनों को परेशानी हो जाएगी। कहती है भाभी काम डाउन काम डाउन, थोड़ी सी तसल्ली रखिए, मैं बताती हूँ ना खुद जाके। कहती हैं अच्छा है, जितनी जल्दी बताओ उतना अच्छा है, और अभी तो ठीक है, रात को रोई वानी सोएगी, मैं तुम्हें अभी के अभी बता रही हूँ। कहती भाभी आप क्या कह रही हो, आपको अंदाज़ा है। कहती है मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, वो मेरा पति है रूही का नहीं। कहती है वो तो मुझे भी पता है, वो आप ही का पति है, ये तो बस उसके साथ मैं रहूँगी ना कि कोई और। कहती है अच्छा ठीक है आप ही रह लीजिएगा, लेकिन थोड़ा मौका तो दीजिए। कहती किस बात का मौका दूँ बताओ मुझे, क्या मौका चाहिए आपको। देखो चॉइस इज़ योर्स, मैंने तुम्हें बता दिया है रात को रूही उस रूम में नहीं सोएगी, अदरवाइज़ मैंने जाके घर में सब बता देना है। तो युविका कहती है अच्छा ठीक है आप रिलैक्स कीजिए, तैयार होइए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है ना। तो साक्षी तभी नीचे आती है, कहती है अमित आया है क्या, मुस्कान। तो कहती है हाँ, तो युविका कहती है कि साक्षी रेडी हो जाओ बाहर चलते हैं, मुस्कान को दिखा के लाना है। तो साक्षी कहती है सॉरी मेरे को बहुत काम है मैं नहीं जा सकती। कहती है कि क्या काम है तुम्हें, कहती है काम मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम लोग देखो मैं नहीं जा सकती। खैर युविका मुस्कान को लेके वहाँ से चली जाती है, डॉक्टर को दिखा के लेके आती है और घर वापस आती है। तो वो कहती है कि रूही पूछती है कि कैसी तबीयत है, क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है ना। तो कहती है हाँ सब ठीक है। तो उधर अमित भी आ जाता है, अमित बैठ के मुस्कान से बातें कर रहा होता है बहुत सारी। मुस्कान कहती है ये जो है ना जल्दी कर लो। क्या क्या जल्दी कर लूँ बोलो, घर में जल्दी बता दो। कहता है बताता हूँ ना आया हूँ अभी, चैन तो लेने दो। बहुत चैन ले लिया तुमने, अब और ज़्यादा चैन नहीं दे सकती मैं तुम्हें, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर मैंने तुम्हें चैन दिया ना तो मेरा चैन बर्बाद हो जाएगा, ठीक चलो। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है थोड़ी तो तसल्ली करो, मैं बात करूँगा, मुझे सोचने का मौका तो दो कि घर में बताना कैसे है। कहते हैं ठीक है दिया मौका तुम्हें, सोच लो। फिर इधर जो है रूही भी बैठी हुई होती है, तो रूही युविका से कहती है कि अब क्या होगा, सोचा है। कहती है मतलब क्या क्या होगा, कि अब जब मम्मी पूछेंगी कि मुस्कान ऊपर क्यों जा रही है, तब कहती है मम्मी को पता कैसे चलेगा। कहती है अच्छा अब मम्मी को पता कैसे नहीं चलेगा, मुझे ये भी बता दो। कहती है तो मम्मी को बता के कौन मुस्कान को ऊपर लेके जा रहा है, दिमाग ठीक है। कहती है मेरा तो ठीक है, मुझे ना तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा।
कहती है तुम ना थोड़ी तसल्ली करो, तुम जो है सोचती ज़्यादा हो। कहती है चलो ऐसा करके देख लेते हैं, है ना। तो कहती है यार तुम तो डरा रही हो। कहती है मैं डरा नहीं रही हूँ, सच में नहीं डरा रही तुम्हें, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ कि जो भी करने जा रही हो बहुत सोच समझ के करना। और रोई कह के वहाँ से निकल जाती है। इधर उसकी मम बाहर आती हैं तो देखती हैं कि अमित जो है मुस्कान से बातें कर रहा होता है, उसका हाथ उसने पकड़ा हुआ होता है। तो उसकी मम आती हैं, देखती हैं तो वो अमित को साइड में बुलाते हैं, कहते हैं इधर आना। तो वो जाता है, कहता है जिम में कि क्या चल रहा है ये, कि क्या कहाँ क्या चल रहा है, मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारी बीबी ऊपर रूम में, तुम यहाँ उसका हाथ पकड़ के बैठे हो जो तुम्हारी बहन की फ्रेंड है। तो कहता है मैं बस हालचाल पूछ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती हैं कि हाँ हालचाल, लिसन बहुत हो गया ये, मुझे ना कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए। और ये युविका से मैं बात करती हूँ कि कितने दिन का काम है अभी, यहाँ कब तक रखना है इसको। कहता है मम्मी वो प्रेग्नेंट है ना। कहते हैं तुम तो अभी अभी आए हो, तो मैं कैसे पता चला। कहते हैं मम्मी युविका ने बताया। कहती हैं अच्छा ठीक है, ध्यान रखो अपना। ये कह के उसकी माँ वहाँ से हट जाती हैं। मुस्कान कहती है कि अगर ये तुमने जल्दी ठीक नहीं किया ना, सच बता रही हूँ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तुम्हें अभी मजाक लग रहा है, बट मैं सच कह रही हूँ बहुत तमाशा हो जाएगा, शायद इतना जो ना तुमने और ना मैंने सोचा होगा, है ना। कहता है हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। इधर साक्षी अपने रूम में बैठी हुई होती है, तो युविका रूम में आती है, साक्षी से कहती है कि साक्षी मुझे कुछ काम था, क्या कुछ एडवाइस दे सकती हो। तो वो कहती है बोलो मुझसे क्या एडवाइस चाहिए तुम्हें। कहती है ऐसे क्यों बोल रही हो। कहती है कि नहीं जस्ट पूछ रही हूँ क्या एडवाइस चाहिए, अब पूछूँ भी नहीं। कहती है कि मुस्कान ज़िद पे अड़ी हुई है कि उसे अमित के रूम में शिफ्ट होना है। कहती है हाँ तो सही ज़िद पे अड़ी हुई है, बीवी है उसकी, वो रूम में नहीं रहेगी तो कौन रहेगा, रोई थोड़ी ना रहेगी। कहती है तो वही पूछ रही हूँ कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो पॉसिबल नहीं है ना अभी। कहती है जैसे ये पॉसिबल किया है कि उसे रूम में लेके आई हो, वैसे ये भी पॉसिबल करो, नहीं करोगे तो दिक्कत तो होगी होगी, है ना। तो कहती है कि हाँ दिक्कत तो होगी, कर सकते हैं। कहती है करने को तो तुम ही कर सकती हो, बाकी तो कोई क्या ही करेगा। और ये बोल के साक्षी हंस पड़ती है। तो युविका कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। कहती है मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। कहती है नहीं तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो। कहती है नहीं तुम्हें बस ज़्यादा लग रहा है। तभी जो है मुस्कान का फ़ोन आने लगता है युविका के फ़ोन पे। युविका फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ बोलो अभी, बोलूँ क्या बोलूँ। कहती है तो ये तो आप बताओ ना क्या हुआ है। कहती है मुझे उस रूम में शिफ्ट करो और रूही को निकालो वहाँ से, अब तक ठीक था लेकिन अब ठीक नहीं है, मेरे से नहीं होगा ये बर्दाश्त।
कहती है भाभी मुझे थोड़ा टाइम तो दो, अब आप एकदम से पीछे पड़ जाओगी तो कैसे चलेगा। कहती है मैं पीछे पड़ रही हूँ सच में? बहुत अच्छी बात है, मैं अपना हक मांग रही हूँ तो मैं पीछे पड़ रही हूँ। कहती है भाभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कर रही हो, बट मुझे वक्त तो दो सोचने का कुछ। कहती है अमित और रूही अभी रूम में, या तो मुझे रूम में ले जाओ या तुम रूम में जाओ। कहती है भाभी अमित और रूही के बीच में कुछ नहीं होगा, थोड़ा तो ट्रस्ट करो, रूही मुझसे प्यार करती है। कहती है वही मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम कैसे जो है इतना बर्दाश्त कर रही हो रूही को अमित के साथ। कहती है भाभी क्योंकि मुझे ट्रस्ट है रूही पे और अमित पे भी, जिस लड़की ने 5 साल में किसी के साथ कुछ नहीं किया, किसी को अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं आई, वो अब क्या खाक लाएगी। मुझे ट्रस्ट है, आप भी ट्रस्ट करना सीखिए और मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये कह के यूवी का फ़ोन रख देती है। पलट के साक्षी की तरफ देखती है तो साक्षी रूम में नहीं होती। यूवी का कहती है अब इसको क्या हो गया यार, ये सारे के सारे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, अब मैं मुस्कान को कैसे उस रूम में शिफ्ट करूँ। एक तो ये नीचे रहती है, अगर मैं इसे ऊपर लेके आई तो मम्मी कहेंगे कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ऊपर लेके जा रही हो, मैं क्या करूँ, भगवान बचा लो मुझे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।